एनसीईआरटी का है, इसमें क्या बोला जा रहा है, बस आपको इस एक फिगर गिवन है, इसमें बोला जा रहा है EF is parallel to AB, EF is parallel to AB is parallel to DC, is parallel to DC, मतलब AB, EF और DC तीनों आपस में क्या है, parallel है, और आपको प्रूफ करना है AD upon ED, AD upon ED is equals to BF upon FC, आराम से हो गया, कैसे? एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी में कौन किसके पैरेलल है, बोलिए, ईबी इज पैरेलल टू सीडी, तो ये वाले ट्राइंगल में आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, क्या एबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू, आप ऊपर लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AE upon ED is equals to AP upon PC, ठीक है? तो this is equation number one. Again, in triangle ABC, ABC में क्या हो जाएगा? इधर से लीजिए, CF upon FB, तो CF upon FB is equals to CP upon PA. CP upon PA. अब देखिए आपको लाना क्या था? Taking reciprocal on both side. Why? क्योंकि इधर क्या आ रहा है? AP ऊपर आ रहा है. इधर AP कहाँ आ रहा है? नीचे. PA बोला है. AP बोलो बात से. तो taking reciprocal on both side. तो क्या हो जाएगा? FB upon CF is equal. मतलब जो denominator में था वो numerator में हो जाएगा. जो numerator में था वो denominator में. ठीक है, तो FB upon CF is equals to PA upon CP, हो गया ये, PA को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP, PA को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, मतलब जो लाइट राइट में था वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में था वो राइट में कर दीजिए, नो नो जरूरत नहीं, ठीक है नहीं जरूरत नहीं, देखिए ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 RHS इज सेम, AP अपॉन PC, AP अपॉन CP को आप क्या लिख सकते हैं, PC, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के RHS सेम है तो LHS भी क्या होंगे, सेम, तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू FB अपॉन FB को क्या लिख सकते हो आप, BF, BF upon FC. कोई डाउट है? हाँ, करीब.